हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल का दूसरा दिन और दोनों ही मैचेस में कड़ाके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन के मैच की बात करें तो सेंट्रल जोन की टीम ने बेस्ट जोन की टीम को एक वक्त मुसीबत में ला करके खड़ा किया था, लेकिन कल के दिन अतीत सेठ ने जो पारी खेली एट द एंड बेस्ट जोन की टीम ऐसे टोटल तक पहुंच गई जहां से वो सेंट्रल जोन की टीम को मुश्किल में डाल सकते थे और उन्होंने डाला, क्योंकि 220 रन उन्होंने बनाए थे। सामने से शिवम माबी का बहुत शानदार स्पेल देखने को मिला था जिन्होंने 6 विकेट हासिल किए और बहुत जबरदस्त गेंदबाजी पहली पारी में शिवम माबी ने दिखाई, क्योंकि टॉप के जितने भी विकेट थे, जिसमें सरफराज खान की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, चेतेश्वर पुजारा की बात करें, इन तीन खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और बाद में जब अतीत सेठ जो सेट हो गए थे जिन्होंने 74 रन की पारी खेली और बेस्ट जोन की टीम के लिए संकट मोचक बन के निकले, उनको शिवम माबी ने आउट किया और आज के दिन के बचे हुए दोनों विकेट शिवम माबी ने आउट किए। सो उनकी गेंदबाजी के बाद अब बल्लेबाजी थी सेंट्रल जोन की। इस बार सेंट्रल जोन की बल्लेबाजी एक बार फिर से फेल होती हुई दिखाई दी, जिसमें ओपनर्स की बात करें तो विवेक और हिमांशु मंत्री दोनों कुछ खास नहीं कर सके। ध्रुव जोरेल को यहां पर खेलने का मौका मिला, 3 नंबर उन्होंने बल्लेबाजी की और 46 रन की एक अच्छी और डिसेंट पारी आप कह सकते हैं उन्होंने खेली। 55 गेंदे उन्होंने उसके लिए ली, 7 चौके लगाए, क्योंकि बाकी आप कंपैरेटिवली अगर आप स्कोर्स देखेंगे तो वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन दिस इनिंग रहे। उसके अलावा रिंकू सिंह ने एक 48 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 6 चौके लगाए। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा जितने भी बल्लेबाज सेंट्रल जोन की तरफ से खेल रहे थे वो सारे फेल साबित हुए। उसमें उपेंद्र यादव की बात होगी जो टीम के उपकप्तान भी हैं, उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए, सारांश जैन भी 3 रन बना सके। अमनदीप खरे जो छत्तीसगढ़ से खेलते हैं उन्होंने सिर्फ 4 रन की पारी खेली, हिमांशु मंत्री के भी 4 रन थे, विवेक सिंह के भी 4 रन थे। उसके अलावा गेंदबाजों की बात करें तो आवेश खान ने 0, शिवम माबी ने 1 और यश ठाकुर ने 2 रन बनाए। इस तरह सिर्फ 128 रन पर सेंट्रल जोन को बेस्ट जोन की टीम ने ऑल आउट कर दिया। अब उस गेंदबाजी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेस्ट जोन की तरफ से, उसमें अर्जन नगबास बाला, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंडियन टीम के नेट बॉलर के रूप में सेलेक्ट हुआ था, उस वक्त इनकी चर्चा बहुत हुई थी और गुजरात के लिए जो भी क्रिकेट इन्होंने खेली है बहुत इंप्रेसिव रहे, स्किलफुल गेंदबाज है। यहां पर उन्होंने अपनी स्किल दिखाई और 5 विकेट निकाले उन्होंने। सो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ढूंढते हैं जो आपके लिए रेड बॉल क्रिकेट में बेटर गेंदबाज हो सकते हैं, उनमें से एक चॉइस ये भी रहेंगे। चिंतन गाजा की बात करें तो उन्होंने 2 विकेट लिए, उसके अलावा अतीत सेठ जिन्होंने 74 रन की पारी खेली थी गेंदबाजी में भी 3 विकेट लिए, तो ये बहुत अच्छे साइन है अगर ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, क्योंकि लगातार इनका दोनों डिपार्टमेंट्स में और स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। चाहे बड़े बड़े रन बनाना हो, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो बल्ले के साथ, और गेंदबाजी में तो हमेशा अच्छा करते हैं क्योंकि प्राइमरी रोल उनका जो है वो गेंदबाजी है। उसके बाद युवराज डोडिया की बात करें तो उनको सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला, लेकिन बेस्ट जोन की दूसरी पारी वहां पर पृथ्वी शॉ फिर से फेल साबित दिखाई दिए, क्योंकि सिर्फ 25 रन उन्होंने बनाए। प्रियांक पांचाल के लिए भी दूसरी पारी फिर से मुश्किलों भरी रही और 15 रन बना सके, लेकिन चेतेश्वर पुजारा पहली पारी में जो फेल हुए थे दूसरी पारी में उन्होंने खूंटा जमा दिया है, 50 रन बना करके नॉट आउट बैट्समैन है। साथ में सूर्य कुमार यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में 52 रन की पारी खेली 58 गेंदों पर, 8 चौके और 1 छक्के के साथ, पारी को बहुत बड़ा नहीं कर सके लेकिन 50 रन भी बुरा स्कोर नहीं कहा जाएगा। उसके साथ सरफराज खान की बात करें जो चेतेश्वर पुजारा के साथ दूसरे नॉट आउट बैट्समैन है अभी के वक्त और 149 पर 3 है अभी ओवरऑल बेस्ट जोन के स्कोर की बात करें, और बेस्ट जोन की टीम ने 241 रनों की लीड ले रखी है सेंट्रल जोन के ऊपर। सो कहीं ना कहीं दबदबा आपको वेस्ट जोन का यहां पर देखने को साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरे मैच की बात करें नॉर्थ जोन वर्सेस साउथ जोन, वहां पर बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 198 बनाए थे नॉर्थ जोन की टीम ने पहली पारी में, जवाब में साउथ जोन की टीम जो 4 विकेट बहुत जल्दी निकल गए थे जिस तरह से बलतेज सिंह और हर्षित राणा ने गेंदबाजी की थी, उसके बाद वो 195 तक पहुंचे और 195 तक पहुंचने में जिन 2 खिलाड़ियों का रोल
रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा साउथ जोन के लिए। उसमें मयंक अग्रवाल ने एक 76 रन की पारी खेली और कल के जो नॉट आउट बैट्समैन थे मयंक अग्रवाल के साथ वो थे तिलक वर्मा, उन्होंने 46 रन की पारी खेली क्योंकि चार विकेट जो है वो 35 रन पर गिर गए थे। और उसके बाद 110 रन की इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप हुई जिसकी वजह से यह स्कोर 195 पहुंचा। नॉर्थ जोन के लिए गेंदबाजी की बात करें तो बलतेज सिंह ने कल के दिन 2 विकेट लिए थे, हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए थे, लेकिन आज बारी थी कुछ और गेंदबाजों की। वैभव अरोरा जो कल के दिन मिस आउट कर गए थे उन्होंने यहां पर अच्छी गेंदबाजी की और उन्होंने 3 विकेट लिए, साथ में जयंत यादव जो कप्तान है उन्होंने भी 3 विकेट लिए। लेकिन यहां पर जो ऑफ स्पिनर हैं जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, पुलकित नारंग की बात मैं कर रहा हूं, उनको गेंद नहीं मिली। हालांकि बड़ी आसानी से इन दोनों गेंदबाजों ने विकेट्स निकाल दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप 110 रन की लगी तो वहां पर उनको भी गेंदबाजी कराई जा सकती थी। तो ऑल एंड ऑल अगर आप देखें जो तीनों फास्ट बॉलर खेल रहे थे, बलतेज सिंह, वैभव अरोरा और हर्षित राणा, तीनों ने कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी नॉर्थ जोन के लिए करके दिखाई है। उसके बाद नॉर्थ जोन की टीम की बल्लेबाजी की बात करें, ध्रुव सोरे जो पिछली इनिंग में फेल हुए थे यहां पर दोबारा से फेल हुए, प्रशांत चोपड़ा भी ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और विद्वत कबीरप्पा का शिकार होकर वो भी चले गए। अभी के जो दो नॉट आउट बैट्समैन हैं उसमें अंकित कलसी 21 रन बना करके खेल रहे हैं और उनके साथ प्रभसिमरन सिंह 6 रन बना करके खेल रहे हैं। ओवरऑल लीड की बात की जाए सो नॉर्थ जोन की टीम ने एक डिसेंट लीड कहीं ना कहीं 54 रन की ले रखी है क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबला है, 50 रन की लीड भी बहुत इंपॉर्टेंट कई बार हो जाती है, लेकिन मुकाबला दोनों टीमों के बीच बहुत कड़ा देखने को मिल रहा है। और परफॉर्मेंसेस की बात करें अब तक विद्वत कबीरप्पा से आपने 5 विकेट हॉल देखा, अर्जन नगबासवाला की बात होगी जिन्होंने 5 विकेट लिए वेस्ट जोन के लिए, और उसके साथ शिवम माबी ने जो 6 विकेट का शानदार स्पेल अब तक दिखाया है। बल्लेबाजी में भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है, स्पेशली जो टॉप मेंशन रहेगा मेरे लिए वो रहेगा अतीत सेठ क्योंकि 3 विकेट भी उस खिलाड़ी ने अपने लिए लिए। और बड़े खिलाड़ी जो पहली पारी में फेल हुए थे उसमें चेतेश्वर पुजारा और सूर्य कुमार यादव के दूसरी पारी में रन्स बनते हुए दिखाई दिए। सो अच्छा मुकाबला चल रहा है, तीसरे दिन शायद मैचेस नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चेतेश्वर पुजारा अपने स्कोर को कहां तक लेके जाते हैं और प्रभसिमरन सिंह कल कैसी बल्लेबाजी करते हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल दिलीप ट्रॉफी के दोनों मैचेस का हाल। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।